चलो बात करते हैं टेट्रासोमी एग्जाम्पल्स के बारे में। टेट्रासोमी क्या होता है? 2n+2 क्रोमोसोम्स। जब दो क्रोमोसोम हमारे पास एक्स्ट्रा हो तो उसको कहते हैं टेट्रासोमी। तो ट्राइसोमी भी आपने देखा कि 2n+1 कंडीशन थी, तो यहाँ पे 2n+2 कंडीशन होती हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सट्रीम सुपर फीमेल। फीमेल के अंदर 44+XXXX 4X होते हैं, 4X होते हैं, और कभी पेंटा एक्स भी होते हैं, कभी 5X भी प्रेजेंट होते हैं, राइट? पेंटाजोमी कभी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 44+XXXX, यानी 2X एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। दो तो अपने होते हैं फीमेल्स के अंदर, 2 एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ बार बॉडीज क्या है? n-1 है। फॉर्मूला n इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज टोटल क्रोमोसोम्स कितने? 1, 2, 3, 4 एक्स क्रोमोसोम्स। n इक्वल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज 1, 2, 3, 4 4-1=3। अब डिफेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं यहाँ पे? अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स होते हैं, ओरीज, यूटेरस, शीतल, दे कैन बी फर्टाइल, फिर भी ये फर्टाइल होते हैं, एंड दे आर टॉलर दैन नॉर्मल फीमेल्स, और बिहेवियरल प्रॉब्लम भी इनके अंदर होता है। अब सुपर मेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? एक्सट्रीम सुपर मेल्स 44XXYY, यानी एक एक्स एंड एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, तो ये भी टेट्रासोमी है 2n+2 कंडीशन। ओके, बट वन इज वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स, सेकंड इज वाई, और नंबर ऑफ बार बॉडीज, बार बॉडीज कितनी होगी? n-1=2, -1=1। बार बॉडी एक ही होती है यहाँ पे। ओके, अब इसके क्या सिम्टम्स है, क्या डिफेक्ट्स है यहाँ पे? इसके अंदर भी क्या होता है, इस एक्स्ट्रा एक्सट्रीम सुपर मेल में सबसे पहली बात एक्सट्रीम मेल के बारे में कि यहाँ पे ये मेल तो फिनोटाइपिकली मेल होता है, स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल होता है। और दूसरी चीज़ में इसके अंदर क्या होती है डिफेक्ट्स, इसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एंड ये टॉलर होता है, टॉलर होता है। ओके, एवरेज 6.5 हाइट इसकी होती है, और इसके अंदर जो टेस्टिस वगैरह वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। ओके, और इसके साथ साथ इसके अंदर वेन थ्रोम्बोसिस होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये इसके वेन्स में क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक होने का खतरा हो रहता है, और इसको डेंटल प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, डेंटल प्रॉब्लम, और कैविटीज़ बनती हैं, टीथ कैविटीज़ बनती हैं, और साथ में मेंटल रिटार्डेशन तो होगी ही, मेंटल रिटार्डेशन। इससे पहले हमने एक्सट्रीम सुपर मेल फीमेल्स की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, जितने एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे उतना मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादा होगी। अब तीसरा है हमारे यहाँ पे, दैट इज एक्सट्रीम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक्सट्रीम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखते इसके अंदर क्या कंडीशन होती है। 44XXY, यानी एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? एक्स्ट्रा क्या होता है? हमारे नॉर्मल मेल्स के अंदर आपने देखा XY कंडीशन होती है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम से, 2 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आर हेयर, सो नंबर ऑफ बार बॉडीज कितना है? 3-1=2, नंबर ऑफ बार बॉडीज 2। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, लेट्स सी द डिफेक्ट्स। चलिए, जब इसके डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेराइल, फेनोटाइपिकली मेल होता है, बट
स्टीराइल होता है, स्टेराइल, और मेंटल रिटार्डेशन तो होगी यहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस बोन डिजीज भी यहाँ पे होती है, डिजनरेशन ऑफ बोन्स, केनेकोमास्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्टस हो जाता है, पल्मोनरी डिजीज भी होती है, किसी किसी केस में टेस्टिस स्मॉल होते हैं, लॉन्ग वीक लेग्स, लेग्स लॉन्ग होती है बट वीक, ओके, रामलिंग ऑन भी होता है यहाँ पे, इधर उधर की बातें भी करता है। सो दिस इज अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इनके अंदर ही जो हमारे पास एग्जाम्पल ये रह गई थी जैकोब सिंड्रोम या टेट्राजोमी नहीं है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ सेक्स रिलेटेड ट्राइजोमी की, यहाँ पे जो कंडीशन होती है 44XYY, ओके, वाई क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, कंडीशन कहाँ अराइज होती है, ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स एट मियोसिस सेकंड, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ओके, फर्टाइल मेल्स, फिनोटाइप मेल्स होते हैं, फर्टाइल होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाते हैं, इनकी हाइट 1.8 मीटर्स होती है, क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, इसलिए इसको कभी कहते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम भी, व्हाट इट, एग्रेसिव नेचर होता है इनका, फाइटिंग करना चाहते हैं, एग्रेसिव नेचर होता है, और सब नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है इनके अंदर, और इनके अंदर मर्डर बाकी क्रिमिनल जो है क्राइम करने की ज़्यादा टेंडेंसीज होती हैं, ओके, दिस इज अबाउट द डिफेक्ट ऑफ दिस जैकोब्स सिंड्रोम। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे होता है, ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ मियोसिस सेकंड, यूजुअली अगर हम मेल लेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेल है हमारे पास एक्स वाई, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट, राइट, मियोसिस फर्स्ट के बाद फॉर एग्जांपल ये एक है, ये दूसरा, उसके बाद जो है अब एक्स वाई और बनना चाहिए, यहाँ वाई अलग बनना चाहिए, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों वाई के इसी के अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर जीरो रहता है, दोनों वाई एक ही अंदर चले जाते हैं, और ये एक्स वाई वाई वाला यानी मियोसिस सेकंड में ये वाई वाई वाला जब इसकी मैरिज हो जाती है किसी एक्स के साथ, तो ये एक्स वाई वाई कंडीशन बनाती है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंड्रोम्स, थैंक यू वेरी मच।